8 नवंबर यानी बीजेपी के वेटरन लीडर लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन, जिनके राजनीतिक शिष्य हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहीं न कहीं पीएम के मन में ये ख्वाहिश जरूर रही होगी कि उनके गुरु आडवाणी जी का जन्मदिन इतिहास में दर्ज हो जाए। शायद इसीलिए उन्होंने 8 नवंबर की तारीख को डीमोनेटाइजेशन के लिए चुना। चाहे आप इसे ब्लैक डे के रूप में याद करें या फिर ब्लैक मनी डे के रूप में, लेकिन याद जरूर करेंगे। वेलकम टू एडिटर्स चॉइस। डीमोनेटाइजेशन पर दिन भर चर्चा होती रही। हमारा भी पैनल तैयार है, जिसमें मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एक्स डायरेक्टर वेद जैन, परंजॉय गुहा ठाकुरता जो इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, शुभमय भट्टाचार्य जी जो इंडियन एक्सप्रेस में बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, अनिल आनंद सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और नोटबंदी पर पॉलिटिकल रिएक्शन देने के लिए हमारे साथ होंगे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल जैन, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन रणदीप सुरजेवाला, समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सूले। सबसे पहले देख लेते हैं कि नोटबंदी के एक साल पूरे होने पर देश भर में कैसा हंगामा बरपा रहा। नोटबंदी का एक साल पूरा हो चुका है, इसके खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली में ब्लैक डे मनाया। उधर बीजेपी भी अपने प्लान के मुताबिक पत्ते खोलते चली गई। बीजेपी ने 8 नवंबर के दिन को एंटी ब्लैक मनी डे के तौर पर मनाया और अपने 9 मंत्रियों को नोटबंदी के फायदे बताने के लिए लगाया। जहां एक तरफ नोटबंदी को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार आंकड़ों के जरिए नोटबंदी के फायदे गिना रही है। हम लोग ये मानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था और देश के व्यापक भविष्य के लिए जो यथास्थितिवाद स्टेटस को था, उसको बदलना अति अनिवार्य था। उधर कांग्रेस की ओर से मोर्चा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने थामा और व्यापारियों के बीच राहुल सूरत पहुंच गए। उन्होंने एक अखबार में लेख लिखकर भारत की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई है। इनकी जीएसटी, ये जो 5 अलग अलग टैक्सेस हैं, ये जबरदस्त नुकसान करे। इन्होंने भी मुझे बताया यहाँ पे कि जीएसटी ने और नोटबंदी ने इनको खत्म कर दिया। भोपाल में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अपनी सरकार को ईमानदार बताया और कहा कि जनता का हम पर भरोसा बना हुआ है, इसलिए हम चुनाव जीत रहे हैं। इसका पूरा जवाब है, देश ईमानदार हो रहा है, अधिक लोग टैक्स दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी को क्या हो गया? क्या वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंडिया इनकरेक्ट कांग्रेस बनने बनाने पर पड़े हुए हैं क्या? उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने मोदी सरकार को नोटबंदी के सालगिरह को माफी दिवस के रूप में मनाने की सलाह दी। श्री मोदी सरकार द्वारा आधी रात को आर्थिक इमरजेंसी के तौर पर इसे लागू किए जाने वाले नोटबंदी के इस निर्णय को भारत के इतिहास का एक काला अध्याय नहीं तो और क्या कहा जाएगा। लखनऊ पहुंचकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया और कहा कि जो लोग टैक्स नहीं भरते थे, उन्होंने टैक्स भरना शुरू किया है। ये भी कहना उचित है कि आज न सिर्फ ट्रेडिंग कम्युनिटी को बल्कि उपभोक्ता को धन्यवाद देने का दिन है, क्योंकि जब उपभोक्ता ने, कंज्यूमर ने बढ़ चढ़कर ट्रेडिंग कम्युनिटी का साथ दिया, तभी ये सक्सेस संभव हो पाई है। कुछ इसी तरह कैबिनेट मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने भी कोलकाता पहुंचकर अपनी सरकार का बचाव किया। What the people of India are saying today, that this is not a scam, demonetization is a miracle, ये घोटाला नहीं है, ये स्कैम नहीं है, ये चमत्कार है। उधर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नोटबंदी से बेहद नाराज दिखे। उन्होंने केंद्र सरकार के विनाश की भविष्यवाणी तक कर डाली। देश की अर्थव्यवस्था धड़ाक से गिर गया, एक साल में भी कोई लक्षण नहीं नजर आया, देश का कल कारखाना बंद हो गया, नौकरी रोजगार के सारे अवसर समाप्त हो गए, और ये काला धन वाले लोगों को नरेंद्र मोदी ने बीजेपी वाले आधे से इसका जितना काला धन धनाशेष है इनके, उनको उनका पैसा को उजला कर दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नोटबंदी के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई।
डॉक्टर अनिल जैन, नोटबंदी के एक साल पूरे हो गए हैं, पूरे देश में बीजेपी घूम घूम कर इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नोटबंदी एक अत्यंत ही साहसिक फैसला, और नोटबंदी की चर्चा पिछली सरकारों में आई लेकिन कोई सरकार इसको हिम्मत नहीं कर सकी नोटबंदी लागू करने का। नरेंद्र मोदी सरकार का मानना है कि फैसले जो अच्छे हों वो लेने चाहिए, अच्छे लगें वो जरूरी नहीं है। तो अच्छे हों फैसले, देश के लिए अच्छा है, देश के पूरे 125 करोड़ भारतीयों को ईमानदार भारतीय दुनिया में जाना जाए, ईमानदार भारतीय होने के नाते नोटबंदी का फैसला लिया गया। खातों में सारी सफाई चले, डिजिटल ट्रांजैक्शन चले, इस तरह का ट्रांजैक्शन जिसकी की टेल पता लग सके, कैश ट्रांजैक्शन की टेल पता नहीं लग सकती। इसलिए इस सोसाइटी को लेस कैश सोसाइटी या कैशलेस सोसाइटी की तरफ आगे ले जाने के लिए नोटबंदी का फैसला एक अहम फैसला था। जी डॉक्टर अनिल जैन, आप कह रहे हैं कि सही निर्णय लिया जाना चाहिए, सही लगे इसकी जरूरत नहीं है। और हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला। कांग्रेस ब्लैक डे मना रही है, और आपकी पार्टी नोटबंदी को किस तरह देखती है रणदीप जी? नोटबंदी ने देश में लागू की तालाबंदी, आर्थिक अराजकता, संगठित लूट और भाजपाई घोटाले का चिन्ह है नोटबंदी। अर्थव्यवस्था पर किया करारा प्रहार, ठप व्यापार और खत्म रोजगार, ये है नोटबंदी की असलियत। एक फैसला दिल्ली की सल्तनत ने 14वीं सदी में किया था, दिल्ली के बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने, जब उन्होंने टंके स्याही असली मुद्रा को खत्म करके टंके स्याही का प्रचलन किया था। जी रणदीप जी, डिमोनेटाइजेशन के समय कहा गया था कि इससे कालाधन, टेरर फंडिंग, नक्सलिज्म, इन सब चीजों पर रोक लगेगी, क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ? 15 अगस्त 2017 को देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की शहतीर से वादा किया कि 3 लाख करोड़ पैसा वापस नहीं आएगा। 15,45,000 करोड़ रुपया जो डिमोनेटाइज किया था उसमें से, परंतु पैसा तो सारा वापस आ गया, तो मुक्त तो प्रधानमंत्री झूठे साबित हुए कि नहीं, और वो भी उस वायदे पर जो उन्होंने लाल किले की शहतीर से कहा। फिर उन्होंने ये कहा कि नवंबर 2016 से जून 2017 तक 17,000 करोड़ रुपया पकड़ा गया जो अघोषित धन है और हम उसकी जांच करेंगे, पर ये बताना भूल गए कि 2013-14 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने 1,01,186 करोड़ रुपया अघोषित धन जी रणदीप जी, आप अपनी पार्टी का स्टैंड ले रहे हैं और जाहिर सी बात है बीजेपी पर आपका प्रहार चलता रहेगा अगले चुनाव तक। इस हमारे डिबेट की शुरुआत हम करते हैं परंजॉय गुहा ठाकुरता से। परंजॉय, इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, पूरे दिन भर इतना डिस्कशन हुआ इसमें, क्या कल भी हमने बातचीत की थी हमारे शो पे, और तब से ये एक समा बन रहा है कि खेमे बन गए हैं, क्या सही हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आम जनता को जानना बहुत ज़रूरी है कि द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी कहाँ जाएगी। संक्षिप्त में आप बताइए कि खासतौर से GDP और ग्रोथ फैक्टर्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, GDP यानी कि भारतवर्ष के जो सकल घरेलू उत्पाद कम से कम 2% कम हो गए, जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे और जिस रफ्तार से बढ़ने का संभावना था उसमें से 2% कम हो गया। 2% मतलब क्या है? भारतवर्ष का पूरा GDP अगर देखेंगे ये 3 लाख करोड़ के आसपास है। इसका मतलब क्या है कि इतना पैसा आपको मिलना चाहिए था, नहीं मिला क्योंकि आपने नोटबंदी किया। 3 लाख करोड़ भारत सरकार, केंद्र सरकार इसका आधा भी स्वास्थ्य के ऊपर खर्च नहीं करते हैं, शिक्षा के ऊपर खर्च नहीं करते हैं, तो आप देखिए इसका असर क्या पड़ा। जिस रफ्तार से हमारा GDP बढ़ रहे थे वो कम हो गया। बेरोजगारी तो भूल ही जाइए, जिसके पास नौकरी था उसको नौकरी से हटा दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार का आंकड़ा ये कह रहे हैं, और फिर आप कह रहे ये आम आदमी के लिए है, गरीब के लिए है, ये काला धन का इस्तेमाल कम हो गया, जाली नोट का इस्तेमाल कर लिया, कैशलेस, लेस कैश वहीं पे पहुंच गया। किसका फायदा उठा? पेटीएम का मालिक कौन है? जैक मा अलीबाबा, चीन में है वो। मेरा बात साफ है,
आप बार बार झूठ कह सकते हैं मगर वो असलियत सच नहीं बनता। परन जो है आप जाहिर सी बात है आप खुश नहीं हैं इस मूव के साथ और आपका कहना है कि खास तौर से जो छोटा तबका है और जो मेहनतकश मजदूर है वो काफ़ी इस चीज़ से हिट हुआ है। मैं वेद जैन साहब आपके पास आना चाहता हूं। सबसे पहले यही इसी पॉइंट को डेवलप करना चाहूंगा कि अब से जो पिछला एक साल गया है और आगे जो अब होने वाला है खासतौर से जहां तक इकोनॉमी की बात है और ये जो एस्टिमेशन ऑफ ब्लैक मनी फेक कैश काउंटरफीट कैश जहां तक रिट्रीवल की बात है अभी भी कोई सही आंकड़े नहीं आ रहे हैं, इससे क्या किसी चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि जब एक आम आदमी फिर से क्यू में खड़े होकर वोट देने जाएगा? सवाल एक राजनीतिक सवाल है लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम थोड़ा सा इस बात को समझें कि एक साल कैसा रहा है। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी का कोई दो मत है कि एक साल ये कठिन रहा है, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन हो कि दोनों ने माना है कि हाँ डिमोनेटाइजेशन के बाद देश की इकोनॉमी पर असर पड़ा है, देश के ऊपर कोई ना कोई अंकुश लगे हैं। अब दोनों के उद्देश्य लोग आगे ऑब्जेक्टिव डिफरेंट बता रहे हैं। अब रूलिंग पार्टी कह रही है कि हमने आगे की अच्छाई के लिए क्या है, अपोजिशन कह रही है नहीं इससे अच्छाइयां नहीं आएंगी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बार बार जो रूलिंग पार्टी जो आज की डेट में सरकार से है कि जब भी आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो कोई ना कोई एक अप्रोच पेपर कोई ऑब्जेक्टिव पेपर तो बनाया जाता है। 8 नवंबर तक तो ये माना जा सकता था कि ये जो आपने घोषणा नहीं कर सकते थे क्योंकि उससे आपकी स्कीम फेल हो सकती थी, डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी लोग फेल कर देते। लेकिन 8 नवंबर से पहले जो आपने अपनी चर्चा की, जो इकोनॉमिस्ट हैं अर्थशास्त्री हैं और सलाहकार हैं उनमें क्या अप्रोच पेपर बनाया, कुछ बैकग्राउंड पेपर बना होगा, कुछ तो वाइट पेपर बनाया होगा। जैन साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जहाँ तक ग्रोथ फैक्टर्स की बात है टैक्स रिफॉर्म्स की बात है उस पर आप क्या सोचते हैं और ये जो 2019 से पहले पहले क्या देखते हैं? देखिए ग्रोथ फैक्टर के बारे में तो मेरा मानना ये है कि 2016 में जिस ढंग से क्योंकि करेंसी भी कैश भी एक इकोनॉमी का पार्ट होता है, जैसे कहते हैं ना कि बैंकों ने कितना लोन दिया हुआ है और कितना पैसा पब्लिक के अंदर है वो भी इकोनॉमी को ड्राइव करता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए इंजन के अंदर मोबिल ऑयल का होना जरूरी है, उसी तरह से करेंसी का भी होना जरूरी है। और जब आप 8 नवंबर को वो सारी करेंसी एक बार सक कर देंगे और उसे बाद में पंपिंग करने की दोबारा करने की कोशिश करेंगे तो उससे जो इकोनॉमी बीच में हिट हुई है उसको तो स्लो डाउन हुई है उसका इम्पैक्ट तो रहेगा। और उस इम्पैक्ट को रिकवर करने में ये कहना कि सिर्फ एक बार करेंसी वापस दे दी तो आ गई तो मुश्किल है। और ये इकोनॉमिक इफेक्ट की वजह से ही जीडीपी गिरा है, जीडीपी गिरा है तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी एक भारी सवाल आया हुआ है कि आज की डेट में रोजगार के ऊपर भी बहुत भारी सवाल आया हुआ है। क्योंकि जब कंट्री की इकोनॉमी स्पीड से बढ़ रही थी, आज की डेट में सभी के कंपेरिजन किए जा रहे हैं कि 7% या 7.5 थी वो घट के 6.5 हो गई या 1 हो गई, ये नहीं करना चाहिए। जब कंट्री ग्रोथ हो रही थी तो जिस ढंग से कंट्री चल रहा था नवंबर 2016 में वो 7.5 से 7.5-9 की तरफ जाना चाहिए था। जी शुभमय भट्टाचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया है और अब जो स्थिति है हम लोग कहानी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो डीमोनेटाइजेशन को आप क्या मानेंगे कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया या उसका कोई उसके पीछे कोई पॉलिटिकल इंटेंट था, कुछ राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की, आप कैसे देखते हैं? देखिए कोई भी डिसीशन जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में लेते हैं तो उसका दो पहलू तो होता ही है कि वो राजनीतिक तरीके से कितना खरा उठता है, साथ में उसका इकोनॉमिक वैलिडिटी कितना है। तो उसमें कोई उसमें 1947 से लेकर अभी तक भी कोई भी डिसीशन ऐसा कोई भी गवर्नमेंट नहीं लिया होगा जिसमें राजनीतिक कंसिडरेशंस को कंसिडर नहीं किया गया है। लेकिन डिमोनेटाइजेशन अपने आप में अच्छा है या नहीं इसको मैं ये मानता हूं कि ये इकोनॉमी के लिए जरूर सही था क्योंकि ये एक बहुत सारे एक क्रम में आ रहा है। आप कह सकते हैं कि ये शॉक थेरेपी के बिना ही जो ब्लैक मनी के ऊपर जो अटैक चल रहे थे वो कारगर हो सकते हैं या नहीं, और फ्रैंकली वो चीज का अभी भी एनालिसिस अभी भी बहुत सारे डेटा पॉइंट्स बहुत सारे बिंदु अभी भी हमारे पास नहीं आए हैं बिकॉज वो डेटा धीरे धीरे आएंगे। जैसे गवर्नमेंट का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आप देखेंगे
कि नवंबर में, नवंबर 2008 में 16 में जब गवर्नमेंट ने जैसे ही अनाउंस किए उसके बाद फॉरेन ट्रैवल का जो नव डेट अमाउंट इंडिया स्पेंड करते हैं वो 80 बिलियन डॉलर सूट का अचानक 200 बिलियन डॉलर हो गया था। नाउ इससे क्या पता चलता है कि पीपल वर मूविंग मनी आउट ऑफ द कंट्री। तो डेफिनेटली एक जो शक था गवर्नमेंट का वो सही था, जो स्टेप्स उठाए थे वो सडन डिमोनेटाइजेशन। शुभमा, आपका कहना है कि वो कदम सही थे। मेरा आपसे ये अगला प्रश्न है कि खासतौर से मोदी सरकार पर ये बार बार ये प्रहार किया जा रहा है, इकोनॉमिस्ट का भी कहना है कईयों का कि इंटेंट शायद गलत ना हो, ये एक हाई रिस्क मूव था। जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोदी जी को सबसे पहले खुद ही ये पता होगा कि अगर ये गलत पड़ता है तो उसका असर क्या होगा, लेकिन उन्होंने ये कदम उठाया, उसकी कई अच्छाइयाँ उसके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन क्या ये तैयारी थी और इसको अब आगे के दो साल ले जाने के लिए वो क्या, उन्हें क्या सोचना चाहिए? तैयारी थी ये तो आप देख ही सकते हैं कि उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कई जगह पे कमियां आई है, और वो इसलिए आए हैं क्योंकि डिमोनिटाइजेशन जैसा एक सीक्वेंस को बहुत सारे लोगों में नेचुरली फैलाना नहीं जा सकता है। आपने बिजनेस स्टैंडर्ड में जो रिपोर्ट निकले होंगे, मिंट में जो रिपोर्ट निकले उसमें दोनों में यही पता चलता है कि सरकार बोथ आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने तरीके से कुछ कुछ प्रिपरेशन कर चुके थे लेकिन वो काफी नहीं थे गिवन द स्केल। जिस तरीके से 85% ऑफ द कैश को विड्रॉ करना जरूरी था, आगे चलकर इसका क्या इफेक्ट होता है वो आपको सिर्फ डिमोनिटाइजेशन नहीं, डिमोनिटाइजेशन के साथ जीएसटी को देखना बहुत जरूरी है। साथ में जो टैक्स में बहुत सारे जो डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं उनको देखना जरूरी है कि उन सब का इफेक्ट क्या बनता है इकोनॉमी के ऊपर। जी, उसका इफेक्ट क्या बनता है। और एक पॉलिटिकल रिएक्शन हम लोग लेते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, जब नोटबंदी हुई थी तो तीसरे दिन आप लोगों ने मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध जताना शुरू किया था और अब एक साल पूरे हो गए हैं, अब आपका क्या कहना है? हम तो नोटबंदी को इस देश का काला इतिहास कहेंगे और काला निर्णय कहेंगे। नोटबंदी ने देश की रीढ़ तोड़ दी, अर्थव्यवस्था तोड़ दी, आम नागरिक को गरीबी में पहुंचा दिया और धीरे धीरे तो मुझे लग रहा है नोटबंदी देश को कटोरा लेकर मजबूर कर देगा और अफ्रीका वाली स्थिति हिंदुस्तान में पैदा हो जाएगी। सरकार जो भी आंकड़े दे रही है सब गलत आंकड़े, एक भी आंकड़े सही नहीं है। नोटबंदी कहा गया था काला धन वापस आएगा नोटबंदी से, लेकिन 100% जब पैसा वापस आ गया, सिर्फ 16,000 करोड़ रुपये तो नहीं आया, बाकी तो सब आ गया। तो जब सारा पैसा वापस आ गया तो फिर सरकार क्या कहना कि हमने काले धन पे चोट करी, कैसे चोट हुई है? और किसी भी विश्व में किसी भी देश ने आज तक। जी नरेश अग्रवाल जी, आपका कहना है कि ये जो मूव है मोदी साहब का ये बिल्कुल गलत है और इससे कोई फायदा नहीं हुआ, वो आपकी अपनी पार्टी की सोच है। परंजय गुहा ठाकुरता, सबसे अहम चीज़ इस देश में है जॉब्स यानी नौकरी, और उसको लेके बहुत चिंताएं बढ़ी हुई हैं। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, CMII का एक डेटाबेस रिपोर्ट है जो मिड जुलाई में आया था और उसके हिसाब से 1.5 मिलियन जॉब्स खोए गए 2017 के पहले 4 महीने में। ये भी कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि नौकरियां यहां मिल जाती हैं लेकिन छोटी नौकरियां मिलती हैं, मतलब अच्छे पैसे नहीं मिलते। इस पर आपकी क्या सोच है? मेरा सोच यह है कि यह सरकार के सबसे सामने सबसे बड़ा चुनौती है। जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी किया, बेरोजगारी तो बढ़ गया, लोगों नौकरी से हटा दिया, क्योंकि समाज के सबसे कमज़ोर जो वर्ग है, जो डेली वेज लेबर, जो दिहाड़ी में काम करते हैं, जो किसान हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सबके ऊपर बुरा असर पड़ा। और मैं बहुत ही दुख हूँ कि बार बार जो असत है वो आप कह रहे हैं। आप बोल रहे काला धन कम हो गया, आप कैसे कह सकते हैं काला धन? आप कह रहे हैं ज्यादा लोग अभी आयकर दे रहे हैं, इसका तो और भी रास्ता था लोगों को आयकर देने का, रास्ता एक ही रास्ता था क्या? आप कह रहे हैं कि जाली नोट का इस्तेमाल कम हो गया, कोई तो आंकड़ा नहीं आया। आप बोल रहे कि आतंकवादी का जो घटना, ये भी कोई आपके पास कोई सबूत नहीं है। मेरा कहना एक आखिरी चीज है, देखिए इंदिरा गांधी का सरकार आपातकालीन समय में नसबंदी किया था,
उस समय भी लोग सड़क में नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी है कि आम आदमी इसको समर्थन कर रहे, सड़क में नहीं है, आंदोलन नहीं कर रहे, इसका विरोध नहीं कर रहे, इसका प्रतिवाद नहीं कर रहे। मेरा कहना है उस समय भी नहीं किया था, तो अभी समय बताएंगे कि नसबंदी का असर जो इंदिरा गांधी का सरकार के ऊपर पड़ा, जो 77 साल में वो हार गए हैं, समय बताएंगे कि नोटबंदी का असर भारतवर्ष का जो आम आदमी है, जो वोटर है, ये इनका जवाब मिलेगा 2019 में। उसी समय आपको मालूम पड़ेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। आप 2019 की बात कर रहे हैं अनिल आनंद, आपसे एक पॉलिटिकल रिएक्शन मैं लेना चाहता हूं एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, कि अब की बार ये तो दो अहम चुनाव ही हैं, दो स्टेट्स के, गुजरात और हिमाचल, और उसके बाद 2019 के आसपास कई और स्टेट्स के चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव है। जब आम आदमी लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर इस बार वोट देगा, वो क्या सोच रहा होगा? अरूप, अगर चुनाव जीतना एक बैरोमीटर है नोटबंदी की कामयाबी को आंकने का, तो ये कामयाब है। उसका एक आपका उदाहरण मिला उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से चुनाव हुआ और जीता गया भाजपा द्वारा। मेरा मानना है कि भारत में चुनाव कई और चीज़ों की बेसिस पे भी लड़े जाते हैं, वो चीज़ उत्तर प्रदेश में भी हुआ। कास्ट इक्वेशंस होती हैं, पोलराइजेशन होती है, और मुझे लगता है कि दो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त। एक तो मोदी जी का कोई अल्टरनेटिव सामने नहीं है, लार्जर देन लाइफ उनकी जो इमेज है वो अभी बहुत हद तक इंटैक्ट है। 2019 में क्या होगा, प्रंजॉय ने जैसे कहा, भारतीय राजनीति बड़ी अनप्रडिक्टेबल भी है, लोगों की सोच बदलते कोई समय नहीं लगता। लेकिन आज की डेट में एक बड़ा फैक्टर मोदी जी का अपना अस्तित्व बहुत बड़ा है, एक वो, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी की वेल ऑयल्ड मशीनरी, और ऑफकोर्स फंडिंग तो एक चीज़ है ही है। तो ये दो तीन फैक्टर जो हैं, और बहुत अच्छे ओरिएटर हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, कहीं ना कहीं वो अपना अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं मैसेज के साथ। जब तक मोदी जी का कोई अल्टरनेटिव इतना बड़ा नहीं, तो कम से कम कुछ लोगों को नज़र आए कि सब कुछ ही कुछ अल्टरनेटिव एक है, गुस्सा हम निकालने के लिए उनको वोट दे सकते हैं, मुझे लगता है तब तक ये बड़ा मुश्किल होगा। और दूसरा, मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव जीतना एक बैरोमीटर नहीं है कि डिमोनेटाइजेशन की सक्सेस थी उसकी वजह से हम जीते, ये मैं हरगिज़ नहीं मानता। ठीक है अनिल आनंद, आपने अपना पॉइंट किया। दूसरे अनिल साहब हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अनिल जैन, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी। पिछले दिनों बीजेपी ने, अनिल जी ने, कई राज्यों में उन्होंने चुनाव जीता उस पार्टी ने, क्या आप इसे नोटबंदी का इफेक्ट मानते हैं? जनता ने जब नोटबंदी लागू हुई 2014 में, हमारे पास 6 सरकारें थी, लेकिन नोटबंदी होने के बाद से देश में जहां भी चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी ने बंपर विजय हासिल की। नोटबंदी के समय पर मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव देख रहा था और मैंने लाइन लगती देखी थी, परिवर्तन यात्रा को मैं लीड कर रहा था। एक तरफ लाइन में लोग, एक तरफ यात्रा में लोग, लोगों को जो हमारे विरोधी थे कौतूहल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने देश को माकूल जवाब दिया, और न भूतो न भविष्य थी इस प्रकार 3/4 बहुमत से ज्यादा। जी डॉक्टर अनिल जैन, उत्तर प्रदेश की कहानी हम सबको पता है, और मैं जाना चाहता हूँ वेद जैन साहब के पास। वेद जी, संक्षिप्त में बताइए कि अभी से लेकर ये अगले 2 साल 2018 और 2019, अगर आप मोदी जी के एडवाइजर होते तो आप क्या कहते हैं, किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए? बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है आपने। देखिए, अभी जब बातें हो रही थी, मोदी जी बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर हैं, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करते हैं और पब्लिक के साथ जुड़े रहते हैं। जो मेरी सलाह, अगर मोदी जी का मैं एडवाइज़र हूं, तो वो यही होगी कि काम वही करें जो जनता के उद्देश्यों के लिए हैं। और ये भी देखिए, मान के चलना पड़ेगा कि जो अभी तक भी कदम सरकार ने उठाए, ये नहीं कह सकते कि उनका उद्देश्य कोई गलत था। जो नोटबंदी को हम ये कह सकते हैं गलत है, ठीक है, वो एज ए इकॉनमिस्ट अर्थशास्त्री हम बहुत तरह से चर्चा करके कह सकते हैं कि गलत है या ठीक था, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उसका जो ऑब्जेक्टिव मन में मनाया होगा कि ये कोई गलत कदम था। काम ये था कि अगर ब्लैक मनी के बारे में उन दिनों बहुत भारी चर्चा चल रही थी, उसको कैसे एड्रेस किया जाए। और ये भी मान के चलना पड़ेगा कि नोटबंदी का फायदा है, नुकसान अलग बात है, लेकिन लोगों को सेंसिटाइज किया गया है कि काले धन खराब है, काला धन गलत है, लोगों को टैक्स देना चाहिए। अब अगले 2 सालों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए वो ये हैं कि देखिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना बहुत सख्त जरूरी है। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो रोजगार मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे तो खुशहाली आएगी और लोग, वोटर खुश रहेंगे,
और मोदी जी की बीजेपी की सरकार फिर से बन सकती है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें और इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करें। जैन साहब, हमारे पास समय का अभाव है और आखिरी सवाल के लिए मैं जाना चाहता हूँ शुभमय के पास। शुभमय, इस आगे के चुनाव में, और जैसे आपने खुद ही कहा कि इसके पीछे पॉलिटिकल पुलिंदा तो ज़रूर है, कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिस पर मोदी जी को ध्यान देना चाहिए? क्या क्रिएशन ऑफ जॉब्स या नौकरी और प्रदान करना सबसे प्रमुख काम होगा? मोर इम्पॉर्टेंट, इससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उस पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी, उस पॉलिसीज़ को आगे चलने का कंसिस्टेंसी रखे, तो उसमें सबसे लोग बेहतर फील करेंगे। डिमोनेटाइजेशन अपने आप में एक जर्क, एक सडन पॉलिसी था जो अपने आप चला और उसका इफेक्ट अभी इकोनॉमी में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसीज है, खासकर GST या साथ में लेबर रिफॉर्म्स, इन सारे चीजों में बुनियादी चेंज लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही है जो इंडियन इकोनॉमी को आगे चलने में इसमें मदद मिलेंगे और इनका इनका इम्पैक्ट, इनका जो प्रसार है वो काफी हद तक चलेगा, तभी जाके आगे चल के मूलभूत चेंज आएंगे एम्प्लॉयमेंट में, साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर जी शुभमय, आप कह रहे हैं कि खास तौर से जो फंडामेंटल चेंजेस हैं इकोनॉमी में उसको लाने की सख्त ज़रूरत है। शुभमय परंजॉय, वेद जैन साहब, अनिल आनंद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और खास तौर से हमारे बाकी पॉलिटिकल गेस्ट का भी। मेरा ये मानना है कि डीमोनेटाइजेशन करके प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा दांव लगाया है। हमारे ही शो में कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि नोटबंदी देश के कमज़ोर तबके के लिए घातक रहा, वहीं वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने लॉन्ग टर्म में इसे भारत की इकोनॉमी के लिए काफ़ी बेहतर करार दिया। लेकिन मोदी सरकार के इस कदम की असली अग्नि परीक्षा 2019 का आम चुनाव है। उम्मीद है रिटर्स चॉइस में आज का सफ़र आपको अच्छा लगा होगा। इसी अंदाज और मिजाज के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू, टेक वेरी गुड केयर, गुड नाइट इंडिया।